हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल एफएक्स के रिव्यू के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि सर सिंपल एफएक्स क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और क्या है इसका रिव्यू अबाउट लीगलिटी अबाउट बहुत कुछ, और क्या हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। तो आज सारी ही बातों पर डिस्कस करेंगे एक ही साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले जो ज़रूरी काम है वो मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, आपका एक लाइक इक्वल्स टू माय मोटिवेशन, तो बहुत काम आता है आगे की फर्दर वीडियोस बनाने में। दूसरी चीज, नए हो चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बाइनरी एंड फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आप हैं पीसी के इंटरफेस पे मेरे, यहाँ पे मैंने सिंपल एफएक्स जो है सर्च किया हुआ है। सिंपल एफएक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आ जाती है इनकी वेबसाइट। तो थोड़ा सा इनकी वेबसाइट को रीड करेंगे, देखेंगे समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट और लॉगिन का ऑप्शन आता है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हो, सब सिर्फ आपकी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करके आप यहाँ पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सेकंड थिंग इज, यहाँ पे लिवरेज की बात करते हैं तो 1:500 तक का लिवरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ लोगों को लिवरेज का मतलब नहीं पता होगा, मतलब कि आपका जो अमाउंट होगा सिर्फ आप उतने से ही नहीं, उसका 1:500 तक का जो है वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड ले सकते हो। डिपॉजिट बहुत ही फास्ट है, यानी इंस्टेंट डिपॉजिट यहाँ पे मिलता है, जैसे कि मैंने चेक किया था बिल्कुल इंस्टेंट डिपॉजिट है। अब बात करते हैं डिवाइसेस की, तो iOS और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर iOS पे अवेलेबल है इसका मतलब किसी भी तरीके का झोल तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली एक बात बता दो, जो भी एप्लीकेशन iOS पे आपको मिल जाती है इसका मतलब वो पूरी तरीके से वेरीफाइड और टेस्टेड है। iOS अपने ऐप स्टोर में इतना ईजिली कोई भी एप्लीकेशन अपलोड नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है। अब सिंपल एफएक्स वेब ट्रेडर की कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस उसकी बात कर लेते हैं। मल्टीपल करेंसी, तो यहां पे मैंने देखा है 60 प्लस आपको करेंसीज मिल जाती है ट्रेडिंग के लिए, और नो डीलिंग डेस्क यहां पे आपको मिलता है। और अगर बात करते हैं एफिलिएशन प्रोग्राम की, तो एफिलिएशन प्रोग्राम भी आप इनका ज्वाइन कर सकते हो, एपीआई मैनेजर, और उसके बाद नो मिनिमम डिपॉजिट का ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। यहां पे कोई ऐसा फिक्स अमाउंट ऐसा नहीं है कि आपको इतना मिनिमम डिपॉजिट यहां पे करना पड़ेगा। जो सबसे अच्छी लगी मुझे इस वेबसाइट की वो यही बात है कि आप यहाँ पे कितना भी डिपॉजिट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटीज़ की, और यहाँ पे मतलब किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जब आप ट्रेड लेते हो। तो क्रिप्टो में आप ट्रेड ले सकते हो, फॉरेक्स में ले सकते हो, ठीक है, और आप जो है सिक्योर ट्रांसफ़र कर सकते हो क्योंकि ये वेरीफाइड ब्रोकर है, सबसे अच्छी जो बात है। एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन के साथ आपको मिलेगा। इसके जो मोबाइल का इंटरफेस है वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप का इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता, तो वो वहाँ पे उसी वजह से जो है मोबाइल में आपको मैं पूरा करके दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मोबाइल में ये चीज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाने वाला हूँ, आपको मैं लेके दिखाऊंगा ट्रेड की किस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर को एडिट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, बहुत कुछ। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट ट्रेडिंग इनका है लोगो, इनका जो लाइन है टैगलाइन वो ये है। और अब यहाँ पे जो सिंपल मैंने आपको बता दिया, गूगल प्ले स्टोर एंड iOS प्ले स्टोर पे अवेलेबल, iOS के स्टोर पे अवेलेबल है एप्लीकेशन, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, अगर मैं क्रिएट अकाउंट पर करता हूँ क्लिक तो क्या करना होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ईमेल का ऑप्शन आता है, और सिर्फ ईमेल एंटर करके मैं यहाँ पे अकाउंट जो है मेरा क्रिएट कर सकता हूँ। आई एक्सेप्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो फेसबुक, गूगल, ट्विटर और टेलीग्राम की हेल्प से भी। अब बात करते हैं इनके कुछ बेसिक्स बेसिक ऑप्शंस की जो ये प्रोवाइड करते हैं हमें। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, अगेन मुझे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा इनकी, क्योंकि इन्होंने जो है बैक का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड नहीं कर रखा है कि मैं बैक जाके फिर से एक बार अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अब मुझे कुछ चीज़ें जो आपको दिखानी थी क्योंकि मैंने इसकी स्टडी की है अबाउट इस वेबसाइट की, थोड़े से चेक किया है इस वेबसाइट के बारे में कि किस तरीके से है, आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ब्लॉग आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, ट्रेडिंग कंडीशन जो है इनकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी यहाँ पर हाइड टर्म नहीं होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अंडरलाइन और बोल्ड लेटर्स के साथ में कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशंस और टर्म्स आपको नहीं मिलेगी जो
ट्रांसपेरेंट नहीं है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के सेम मेथड्स जो आप बाकी सब में यूज़ कर सकते हो। एफिलिएशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अबाउट में जा सकते हो, विजिट्स का ऑप्शन आता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो इनका सपोर्ट चैट कितना फास्ट है अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल के लिए आपको नेम, ईमेल एंड मैसेज करके एक लीव करना होगा, और अगर आप लाइव चैट भी करना चाहते हैं तो आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने इनका जो रिस्पॉन्स है वो देखा था, अगर आप इनसे चैट करते हैं तो तुरंत आपको मैसेज मिलता है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 2-3 सेकेंड्स आपका जो है रिप्लाई आ जाता है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ इनको पहले ही करके देख ली थी। अब आते हैं स्टार्ट करके, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी एंड देन आगे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं इंटरफेस कैसा है इनका, और उसके बाद मैं मोबाइल ट्रेडिंग इंटरफेस भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहना लास्ट तक, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखने को मिलेगा, और जितने नए नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप सीखोगे जानोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर बाइनरी एंड ट्रेडिंग फील्ड से इंटरेस्ट आप रखते हो तो मुझे लगता है ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जान लेनी चाहिए, तभी आप लोगों के लिए वो फायदेमंद साबित हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ लॉगिन, एंड लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू होंगे हम हमारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल के कर दिया है लॉगिन पे क्लिक, एंड अब हो गए हैं हम लॉगिन यहाँ पे, एंड अब देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, डिपॉजिट फंड का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कोई फंड डिपॉजिट नहीं किया है, लाइव बैलेंस नहीं डिपॉजिट किया है। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि आपने यहाँ पे कोई इशू तो नहीं होता, बिल्कुल इशू कोई नहीं होता है। अभी देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि आज सैटरडे है तो मार्केट जो है क्लोज है, तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रेड ओपन करके ज़रूर दिखाऊंगा क्रिप्टो में कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस की बात कर लेते हैं, कॉमन सा और बिल्कुल क्लीन सा इंटरफेस मुझे यहाँ पे लगा है, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं थोड़ा सा जो इंटरफेस होता है वो यूज़र इंटरेक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस लगा है। यहाँ से आप देखिए करेंसीज चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कम्योडिटीज़, करेंसीज, फॉरेक्स, इंडिया जो कैश है, और जो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, 60 प्लस से ज़्यादा ही करेंसीज मिल जाती है इनके पास ट्रेड लेने के लिए। अब आते हैं कुछ ऊपर, तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं पूरे ग्राफ की, कि किस तरीके से आप, अगर आप जैसे अभी एक दिन की सिलेक्टेड है, आप चाहो 5 मिनट की कर सकते हैं, 30 मिनट्स की कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप बाइनरी में कर सकते हैं बार्स, कैंडल्स, लाइन, एरिया, और इससे आगे अगर एफ वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंडिकेटर्स आ जाएंगे। तो ये इंडिकेटर्स आपके पास ज़्यादा इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं करती है ये वेबसाइट, सिंपल एफएक्स हमें ज़्यादा इंडिकेटर्स प्रोवाइड नहीं करती है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे प्रीमियम है, मतलब जो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट वन क्लिक से आप इसे अनेबल कर सकते हो। अब ऑर्डर प्लेस करने की बात आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कोई भी करेंसी आपको सेलेक्ट करनी है, उस पर राइट क्लिक करोगे, मतलब उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओपन चार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो चार्ट यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक विंडो खुलेगा, इस विंडो में आपको देखो सेल और बाय का ऑप्शन मिल जाएगा। पेंडिंग ऑर्डर्स आप अपने चेक कर सकते हो, अगर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपने अभी तक खोला है तो आपको मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप यूनिट सेट कर सकते हो 0.01 या 0.02, एज यू नो आप कर सकते हो। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना, आपको मैन्युअली ऑर्डर जो है वो क्लोज करना है, तो आप सबमिट पे कर दो क्लिक। जस्ट एक सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो देख लिए यहाँ पे हो जाएगा प्लेस, इतना सा बात है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो ऑर्डर है वो हो गया है प्लेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो मतलब सारा जो प्रोसेस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही आसान से मुझे वेबसाइट लगी, और जो मुझसे लोगों ने पूछा तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा आप यूज़ कर सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरफेस हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो ये कि हम किस तरीके से यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस लेके आए, और ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी यूज़र इंटरेक्टिव मुझे लगी है, तो यूज़ करने में कोई मुझे नहीं लगता घाटा है। अब आते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीधा सिंपल एफएक्स पर ले जाके आपको कि किस तरीके से
सिंपल एफएक्स का जो मोबाइल इंटरफेस है, और अगर आप मोबाइल से ट्रेड लेना चाहते हैं सिंपल एफएक्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सिंपल एफएक्स की एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो मोबाइल फ़ोन में ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा। यहाँ भी आपको सेम आईडी एंड पासवर्ड से कर लेना है लॉग इन। सेम आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉग इन करोगे, तो डेमो अकाउंट पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो स्विच कर सकते हो रियल अकाउंट से। देखिए ऑप्शन आ रहा है, रियल अकाउंट में आप तब स्विच कर सकते हो जब आपके पास रियल में पैसे हो, अदरवाइज आप डेमो में भी यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हो। अब आते हैं प्रोफाइल पे। जो मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे ज्वाइंट और ये वॉलेट और सारी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जाते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए तीन डॉट नीचे आपको दिख रहे होंगे, उन तीन डॉट पे देखिए, तीन डॉट आपको सबसे नीचे नीचे दिख रहे हैं, उन तीन डॉट पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेड्स के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, माय सिंबल्स के नाम से एक ऑप्शन आएगा, न्यूज फीड के नाम से एक ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड्स के नाम के जो ऑप्शन है उस पर कर दिया है क्लिक, और मेरे सामने कुछ पोजिशंस खुली है। देखिए सबसे पहले ओपन पोजिशंस की बात करते हैं, मेरी कोई भी पोजिशंस अभी ओपन नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर्स की बात करते हैं, कोई भी पेंडिंग ऑर्डर अभी नहीं है। तो मैं ओपन पोजीशंस की बात करता हूं। अब सिंबल्स की बात करते हैं, तो यहां पे बीटीसी यूएसडी अभी अवेलेबल है, तो मैं बिटकॉइन में देखता हूं, तो ये मेरे पास खुल गया ग्राफ। बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। तो यहां पे भी मैं थोड़ा सा हाइड करता हूं टिप्स को, क्योंकि टिप्स की ज़रूरत नहीं है जैसा कि आपको पता है। तो अब यहां पे सेल एंड बाय का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो मुझे अगर मान लो बाय करना है देन मैं बाय के ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पे आप देखिए क्लोज एट लॉस एट लॉ, यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है देखिए, अगर आप लॉस में जाएंगे तो आप क्लोज भी कर सकते हो अपनी ट्रेड, अपनी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जैसे आप लॉस में जाने लग जाएंगे। और क्लोज एट प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा तो भी आप यहाँ पे क्लोज का जो है ऑप्शन डाल सकते हैं। तो और अगर मान लो यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपको जो है डालना पड़ेगा कि कितने प्रॉफिट के बाद में, यानी टेक प्रॉफिट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अमाउंट आप सेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट से आपको करना है, और यहाँ पे देखिए ट्रेड वैल्यू आपको दी हुई है, रिक्वायर्ड डिपॉजिट भी आपको दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता आगे कुछ ज़रूरत है। जैसे ही मैं करूँगा बाय पे क्लिक और यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो हो जाएगा प्लेस। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं नीचे, ऑर्डर जो है मेरा वो प्लेस हो गया है। ठीक है, ऑर्डर जो है टाइम देख सकते हैं ओपनिंग टाइम, और जब मुझे मैन्युअली इसको क्लोज करना होगा तो मैं इसे मैन्युअली भी क्लोज कर सकता हूं। इस पर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा मुझे क्लोज ऑर्डर का, जैसे ही मुझे मिलेगा प्रॉफिट मैं यहां से ऑर्डर को क्लोज करके प्रॉफिट लेके कभी भी मार्केट से निकल सकता हूं। अब एडिट पे जाएंगे तो आप अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है आप अपने ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा कि वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, iOS में अवेलेबल है, वेरीफाइड है, और क्या चाहिए, सब कुछ हमारे हक में है, तो आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी कमेंट में देखता हूँ रिगार्डिंग द सेम कि सर हम सिंपल एफएक्स यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते, तो आंसर है आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यूज़ करने में नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा से यही रहता है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हो, बाइनरी में इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर रिस्क होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, विदाउट रिस्क कोई भी इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे रिस्क होता है, तो वो रिस्क को अंडरस्टैंडिंग समझ के ही इस मार्केट में कदम रखो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे डेमो में ट्रेड लेके थोड़ा सीखने की कोशिश करो, बिना डेमो में सीखे आप इन्वेस्ट करना मेरे लिए मुझे लगता है सही नहीं होगा। बाकी उम्मीद करूंगा जो सिंपल एफएक्स का रिव्यू है वो आपको पसंद जरूर आया होगा, लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन आप अभी तक हो गए होंगे, सब्सक्राइब आपने चैनल को अभी तक कर ही दिया होगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो तो ऐसी नॉलेज यार इतनी आसान भाषा में कौन समझाएगा। तो मुझे लगता है अभी तक आपने कर ही दिया होगा सब्सक्राइब, और मुलाकात करेंगे यार गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार पार्ट में, और उम्मीद करूंगा कि साथ बने रहोगे आप। थैंक यू सो मच।